अगर अच्छा मार्जिन चाहते हैं और आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करने पर आपको ये पांच फायदे मिलते हैं, और अगर आप ऑप्शन में काम करते हैं, ऑप्शन सेलिंग करते हैं या बाइंग करते हैं या फ्यूचर में काम करते हैं या MCX में काम करते हैं, कमोडिटी में काम करते हैं, सबसे बेस्ट बेस्ट आपके लिए रहेगा, सबसे ज़्यादा मार्जिन प्रोवाइड करने वाला आस्था ट्रेड। तो इसमें आप अकाउंट ओपन करिए और हमारे ये पाँच फ़ायदे आपको मिल जाएंगे। बस आपको आस्था ट्रेड पर हमारी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपको वहाँ पर आपको क्लिक करके और वहाँ पर एक कोड डालना है आपको, हमारा प्रोमो कोड रहेगा, वो आपको रेफ़र कोड आपको बता दिया जाएगा, वो रेफ़र कोड रहेगा FMA और क्या, एक सेकेंड, सॉरी S731 SBU आपको कोड डालना है, ठीक है, 731 SBU ये हमारा कोड डालना है आपको, 731 SBU आस्था ट्रेड के अंदर। तो आप हमारी लिंक से अकाउंट ओपन करना, ये आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर लो और उसके बाद आप हमारे ये पांच फ़ायदे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और दोस्तों बहुत अच्छी इसमें मार्जिन एक्सपोजर बहुत अच्छा है, हम आपको दिखा देते हैं एक बार। अगर आप इसमें, एक सेकंड हम आपको बता देते हैं, ये देखिए सबसे ऊपर निफ्टी और बैंक निफ्टी का वो है, हम आपको निफ्टी बैंक निफ्टी का एक उदाहरण देते हैं। जैसे कि आप निफ्टी और बैंक निफ्टी का एक लॉट फ्यूचर में उठाते हैं तो आपको मात्र 4,000 रुपये देना है बैंक निफ्टी का, और ऑप्शन में सेल करते हैं यानी कि कॉल पुट सेल करते हैं बैंक निफ्टी का कोई भी प्रीमियम हो तो ओनली 4,000 रुपये में आप एक लॉट सेल कर सकते हैं। दोस्तों ये प्रीमियम ऊपर नीचे होता रहता है, 2,500 में भी आ जाता है, ये 3,000 में भी और 4,000, मैक्सिमम 4,000 रुपये। और अगर आप निफ्टी में एक स्लॉट बाई करते हैं फ्यूचर का तो 5,000 रुपये, या सेल करते हैं तो 5,000 रुपये, और ऑप्शन इंट्राडे सेलिंग मार्जिन 5,000 रुपये पर लॉट निफ्टी का। और भी आपको, और भी स्टॉक्स में करते हैं तो बहुत बड़ा मार्जिन, अच्छा मार्जिन ये देता है। कमोडिटी में भी आपको गोल्ड का एक लॉट बाय करना है 10,000 में हो जाता है, क्रूड ऑयल का मात्र 2,000 रुपये में हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत अच्छा मार्जिन है, अकाउंट ओपन कर लेना, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, आस्था ट्रेड नाम से है, और हमारा कोड डाल देना 731 SBU, 731 SBU। दोस्तों कोड डालेंगे तभी आप हमारे अंडर आ पाओगे, उसके नीचे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए आपको वीडियो शुरू करते हैं। वेलकम टू बिजनेस टाइकून। दोस्तों हमने आपको 2 स्टार स्टॉक दिए थे, इसमें से देख लेते हैं कि आज कितना प्रॉफिट आपने कमाया। पहला दिया था हमने एक्सिस बैंक, और एक्सिस बैंक का सपोर्ट लेवल हमने दिया था आपको 440 पर बाय करना था और 422 पर आपको सेल करना था। चलिए देख लेते हैं कि आपने आज ट्रेड किया होगा, कितना शानदार पैसा उसमें बनाया। ओके, तो दोस्तों हमारा 440 रुपये तो नहीं आया, ठीक है, 422 हमारा सपोर्ट लेवल टच किया था, वो भी सेलिंग साइड। तो चलिए देख लेते हैं कि कितना प्रॉफिट आपने आज कमाया। ये हमारा एक्सिस बैंक का चार्ट ओपन है, 15 मिनट की हमने चार्ट फ्रेम लगाई हुई है। आज दोस्तों 25 जून है, ओके। तो आज दोस्तों ज़्यादा मार्केट ने नीचे की साइड ही मूवमेंट दिया था, पहले सबसे पहले 422 पर आपने बाई कर लिया होगा, और उसके बाद से उसमें थोड़ा सा स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ, उसके बाद से आपने इसमें सेलिंग की और आपका इसमें टारगेट अचीव हुआ। ये देखिए यहाँ पर हमारा 422 का लेवल अचीव होता है, उसके बाद आपने बाई किया, बाई करने के बाद आपका, अगर आपने नहीं सेल किया, सॉरी 422 पर आपने सेल कर दिया और ये ऊपर की साइड गया, ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट नहीं मिलता, और उसके बाद से इसे गिरना स्टार्ट किया, यहाँ पर हमारे 415 को टच किया तो यहाँ पर हमें 7 पॉइंट का प्रॉफिट बनता है। तो हमारा जो लॉस हुआ इधर रिकवर हो गया और इसमें ओवरऑल प्रॉफिट ही है, ठीक है। तो एक्सिस बैंक में हमें 7 पॉइंट का प्रॉफिट बनता है और 3 पॉइंट का लॉस होता है, यानी टोटल 4,000 रुपये का प्रॉफिट एक्सिस बैंक में, ठीक है। चलिए दूसरा स्टॉक हमने आपको दिया था PEL, उसको भी देख लेते हैं कि उसमें आपने कितना प्रॉफिट किया। दोस्तों अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो फटाफट से कर लो, क्योंकि आपको हम डेली बहुत अच्छे लेवल प्रोवाइड करेंगे और जिससे आप बहुत बढ़िया प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। ये दूसरा चार्ट है हमारा PEL का, देखिए दोस्तों यहाँ पर इसने सपोर्ट किया, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई, फिर थोड़ा नीचे गया, फिर उसके बाद से फिर दोबारा इसमें खरीदारी मिल देखने को मिली। दोस्तों हमने आपको सपोर्ट लेवल दिया था 1251 आए तो बाय कर लेना और 1233 आएगा तो सेल कर देना। तो देख लेते हैं दोस्तों कहाँ पर आया। दोस्तों हमारा 1250 का लेवल यहाँ पर हमें अचीव हो गया, मैं आपको बता देता हूँ सही तरीके से। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको एक बार इसका एनालिसिस ज़रूर करना, यहाँ पर हमारा 1250 का
पर एक 1251 पे 1251 पे बाइंग अचीव हुआ। उसके बाद दोस्तों इसने बढ़ना स्टार्ट किया, इतना शानदार प्रॉफिट दोस्तों आप यकीन नहीं मानेंगे। ये देखिए 1251 पे आपने बाई किया, उसके बाद से देखिए ये गया ये गया, इसने पहला यहाँ पर हाई, इसने हाई बनाया 1292 रुपये, 40 पॉइंट का हाई यहाँ पर बनाया। उसके बाद से इसने फिर 1324 का हाई बनाया, और उसके बाद इसने 1360 का हाई बनाया। तो कम से कम नहीं तो 110 पॉइंट का मूवमेंट एक दिन के अंदर पीएल ने आपको दिया। तो देखा दोस्तों कमाल का प्रॉफिट, और आपको इतनी एक्यूरेसी कहाँ मिलेगी। तो बहुत ही शानदार प्रॉफिट, अगर आपने 10 पॉइंट भी प्रॉफिट लिया होगा तो 10,000 रुपये का प्रॉफिट पीएल ने बिंदास मतलब आराम से दिया है। तो टोटल हमारा प्रॉफिट 4,000 रुपये एक्सिस बैंक में होता है और 10,000 रुपये पीएल में होता है, टोटल 14,000 रुपीज़ का प्रॉफिट एक दिन में। और क्या चाहिए दोस्तों आपको, अगर ऐसे ही आपको प्रॉफिट चाहिए तो भी 1,000 क्वांटिटी हम आपको एस्टिमेट ले रहे हैं, ठीक है। हम आपको यहाँ पर लेवल बताते हैं कि इस लेवल पे आपको बाय करना है, इस लेवल पे सेल करना है। दोस्तों फटाफट सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपके लिए, अगर आप चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है तो फटाफट से आप जुड़ जाइए। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट से कर लो, वो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, बिल्कुल फ्री है, वहाँ पर भी हम आपको डेली अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। चलिए कल के लिए 2 स्टॉक आप नोट कर लो, कल फ्राइडे है और फ्राइडे को भी आपको बेहतरीन पैसा बनाना है। दोस्तों आपको 2 स्टार स्टॉक बताने से पहले सबसे पहले करते हैं आपको निफ्टी बैंक यानी कि बैंक निफ्टी की एनालिसिस। दोस्तों आज क्लोजिंग दी है 21504 पर, और आज मार्केट दोस्तों दोनों तरफा रहा। आज कुछ इवेंट भी था और कोरोना वायरस के केसेस के चक्कर में मार्केट ने गिरना भी स्टार्ट किया और मार्केट नेगेटिव ओपन हुआ, उसके बाद से फिर पॉजिटिव रहा, और उसके बाद से बहुत अच्छा इसने रिकवरी दिखाई, और उसके बाद से इसने अपना क्लोजिंग आपको बता देते हैं। ये देखिए आप स्क्रीन पर, आपको 21504 पर ये क्लोजिंग दिया इसने। और थोड़ा सा इसके चार्ट्स पर नज़र डाल लेते हैं कि इसने कहाँ कहाँ कैसा कैसा मूवमेंट दिया, जिससे कि आप समझने की कोशिश करते हैं कि कल क्या इसमें रह सकता है। हम इसको 30 मिनट का चार्ट फ्रेम करते हैं, ओके, और इसको समझने की कोशिश करते हैं कि निफ्टी कल कहाँ जा सकता है और एक्चुअली में हमें क्या कल की पोजीशन रखनी पड़ेगी, ओके। तो ये देखिए हमने ये पूरा जून का चार्ट लगा लिया, ठीक है, यहाँ से हमारा जून का चार्ट है यहाँ से, ठीक है। और ये देखिए जून स्टार्ट यहाँ से होता है, और दोस्तों आप खुद देखेंगे गौर से देखेंगे तो ये देखिए, फिर इसके बाद इसने गैप अप लिया, ये देखिए फिर गिरा, फिर थोड़ा सा इसमें बाइंग आई, फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग, फिर बाइंग, फिर प्रॉफिट बुकिंग, और उसके बाद से अभी तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है। यहाँ पर हल्का सा प्रॉफिट बुकिंग देखिए आप, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आई और उसके बाद से फिर इसमें बाइंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट थे ना वो अब ख़त्म होने वाले हैं, और हमें लगता है कि इसमें फिर से ग्रोथ दिख सकती है। तो आप दोस्तों कल इसमें आपको क्या लेवल पे आपको ख़रीदारी करना है वो हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक खरगोश पैटर्न बनना है, यानी कि हम इसको खरगोश पैटर्न बोलते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 यहाँ पर अगर इस लेवल को ब्रेक करिए दोस्तों तो आपको ख़रीदारी करना है 21720। ये देखिए ये हमारी खुद की एनालिसिस है, इसको हम खरगोश पैटर्न बोलते हैं, और 21710 से लेके 750 तक, यानी कि 21710 से लेके 21750 तक को ये ब्रेक कर दे, यानी 750 को आप समझ लो, 710 को छोड़ो और 750 को आप समझ लो, अगर 21750 को अगर ये ब्रेक करेगा तो दोस्तों आपको बाइंग करनी है बिना सोच समझे, ओके। और 21550 को अगर ये क्रॉस करे तो आपको सेल करना है। दोस्तों हमें दोनों साइड देखना है, एक साइड देखकर काम नहीं करना है, और कभी भी इतना कॉन्फिडेंस मत अपने आप में लाना
कि आपको लॉस बन जाए, कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस भी लॉस का कारण रहता है। तो 21,750 पे आपको बाय करना है, 21,550 पर आपको सेल करना है, ठीक है। तो ये कुछ नहीं है, इसको उठा देना, समझ गए आप। 21,550 पर आपको सेल करना है, 21,750 पे आपको बाय करना है। चलिए कल आपके दो स्टॉक और स्टॉक बता देते हैं जिससे कि आप अच्छा पैसा बना सकें। तो पहला स्टॉक है हमारा इंसेंट बैंक, ओके। तो इसको भी आप नोट कर लो और इस पर आपको बढ़िया पैसा बनाना है। इंसेंट बैंक का सपोर्ट लेवल आप नोट कर लो, क्योंकि कल आपको इसमें आराम से 10 पॉइंट तो लेना है, ठीक है। 5 पॉइंट तो लेना ही लेना है, 10 मिल जाए तो और अच्छी बात है। इसके 3 रुपये ऊपर 478 पर आपको बाय कर लेना है, ठीक है। और इसके 6 रुपये नीचे 469 पर आपको सेल कर देना है। तो ये हमारा सपोर्ट लेवल है और ये हमारा रेसिस्टेंट लेवल है। और थोड़ा चार्ट्स देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि दोस्तों कल मार्केट में इसमें क्या रह सकता है। उसको भी हम छोटा कर लेते हैं, ये देखिए, आप खुद देखिए दोस्तों। पहले यहाँ पर इसने प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर आई, ठीक है, यहाँ से लेके प्रॉफिट बुकिंग की, फिर यहाँ पर बाइंग आई, बायर आए और बायर ने इसको ऊपर स्टार्ट किया, फिर इसके बाद और ऊपर गया, फिर यहाँ पर दोस्तों प्रॉफिट बुकिंग आ गई, ठीक है। और इस पैटर्न का नाम हम आपको अगली बार बताएंगे। इस पैटर्न को भी हमने कुछ नाम दिया है, हमारे कुछ अलग अलग तरह के नाम हैं, और इस प्रकार का जो पैटर्न होता है ना उसको हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। ये पैटर्न हमें बहुत प्यारा लगता है, ये वाला पैटर्न, ये देखिए आप, ये देखिए, नीचे गया फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया फिर ऊपर आया, फिर नीचे गया फिर ऊपर आया, फिर नीचे चला गया, यानी कि एक और एक दो, ये देखिए एक दो और ये तीन, इसने 3 बार सपोर्ट लेने की कोशिश की है और फिर से इसने नीचे स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर पहला सपोर्ट, फिर यहाँ पर दोस्तों दूसरा सपोर्ट, फिर यहाँ पर एक तीसरा सपोर्ट भी ले गए यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद से फिर ये नीचे जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हमें सपोर्ट लेने की कोशिश में, और ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर दोबारा से नीचे आएगा। तो इंडसइंड बैंक में हमने जो लेवल दिया है उस पर आपको ख़रीदारी करनी है, ठीक है। चलिए आपको दूसरा सपोर्ट लेवल बता देते हैं, दूसरा स्टॉक आपको बता देते हैं। दोस्तों हमें खुशी मिलती है कि हमारी रिसर्च आपके लिए फ़ायदेमंद रहती है और हमारी रिसर्च से आप पैसा कमाते हैं। सेकंड स्टॉक है हमारा UPL, इसको भी आप सपोर्ट लेवल नोट कर लो। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि आपसे कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी ना, क्योंकि लर्न करोगे तभी तो अर्न करोगे, ओके। तो इसका भी सपोर्ट लेवल आप नोट कर लो। आज क्लोजिंग दिया 445 पर, 445 पर क्लोजिंग दिए, ठीक है। इसके 4 रुपये ऊपर 449 पर आपको बाइंग करनी है, ठीक है। 449 पर अगर क्रॉस करे तो आपको बाय करना है, और यहाँ पर बाय लिख देते हैं, ठीक है। ये सपोर्ट लेवल है और आपको दोस्तों टारगेट रखना है कम से कम 5 पॉइंट का, और 10 पॉइंट मिल जाए तो और अच्छी बात है, ठीक है। और स्टॉप लॉस आपका इसमें 0.5% या 1% तक रख सकते हैं आप, ठीक है। 4 रुपये इसमें, 4.5 रुपये तक स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और 10 पॉइंट का आराम से प्रॉफिट आपको, 5-10 पॉइंट का प्रॉफिट आपको लेना है, ठीक है। और नीचे की साइड हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा 438, 438 रुपये दोस्तों आए तो आपको सेल कर देना है। टारगेट हमारा 435 और 430 रुपये रहेगा, ठीक है, और 425 रुपये तक रह सकता है। तो हमारे दोस्तों सपोर्ट लेवल आपको बहुत काम में आएंगे और हमारी रिसर्च आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी। 101% दोस्तों आपको इस स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट ही होगा। और भी आपके लिए एक बैंक निफ्टी की नई स्ट्रेटेजी लेके आ रहे हैं, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो फटाफट से कमेंट करके बताइए कि आप वो स्ट्रेटेजी को प्राप्त करना चाहते हैं कि नहीं, ओके। और हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी आ रहे हैं, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो बताइए कि हम वो लॉन्च करें कि नहीं। बाकी आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। और दोस्तों एक बात और कहूँगा आपसे, अगर आप ऑप्शन में ट्रेड करते हैं, यानी कि आप फ्यूचर